साड़ियाँ चार चार किश्तें रुक चुकी ने, बहुत ज़्यादा परेशान आ। ना साड़ी किसी सरकार के MLA ने, ना किसी होर ने आके, ना इतने कौंसलर ने भी नहीं आके किसी ने पूछा भी तुसी किद्दां हैगे किद्दां नहीं, कोई बाह फंड वाला नहीं। गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि दो सवारियों तो बाद असी बिठा नहीं सकते, तो दो सवारियों के बच्चों असी 20 रुपये लैके कितने तक सवारी में लै जाइए, तो वो बच्चों अभी की अपने बच्चों को रोटी खावे तो की असी किश्तां देवे। सवेर तो लैके शाम तक एक जगह तो दूसरी जगह तक सवारियों को लैके जाना, सवेर तो लैके रात तक इसे काम नू करदे रहना तां जो कुछ पैसे इकट्ठे हो सकन अते असी अपना परिवार पाल सकीए। लॉकडाउन तो पहला हालात कुछ होर सन, पर हुण हालात बदले हुए ने। कोरोना वैश्विक महामारी ने जिथे हर एक वर्ग प्रभावित किया है, उथे सब तो वध असर इस वैश्विक महामारी का दिहाड़ी करके कमाउण वाले परिवारां ते पिया है। एक अजिहा वर्ग है आटो रिक्शा चालकां दा, सवेरे 7 बजे तो शाम 7 बजे तक घरों बाहर रहना तां जो कोई सवारी उन्हां नू मिल सके, पर कदे कदे तो सवारी भी नहीं मिलती। इन्हां हालातों दे विच अपने परिवार का किवें गुजारा करन, ए विशा उन्हां दे लई चिंता का विशा बनिया होया है। आटो चालकां ने सरकार तो मंग कीती है कि आटो चालकां दी मदद करन तां जो ओह वी अपनी रोजी रोटी कमाउण दा प्रबंध कर सकन। सर लॉकडाउन दे नाल तां सानूं बहुत भारी मुश्किल आ रही हैं, देखो जिवें कि 3 महीना चल पिया आ, असीं बहुत परेशान होए, पहले 2 महीने तां घर तों नहीं निकलण दित्ता गया, तो रोटी पानी तो भी सानू जिदा अचानक आ के लगन के कारण सानू तो रोटी पानी तो भी औखे सके, जिन्ना कि दाणा फक्का से वह भी लग गया। गवर्नमेंट ने भी साड़ी कोई मदद नहीं की है, कि एक अद्धी बारी थैली देती आटे दे तो बस वो चलिया, तो उन्हें असं की करना, अभी तो घरों करजा चक चक के खा पी रहे हैं। तो हूँ देख लो 15-20 दिन हो गए इतने आईदा, असं सवेरे 6 बजे तो आ जाइए, कदम 7 बजे शाम को नेरे हुए तक जाइए, उ 6-7 बजते 12 घंटे कि एक अद्धी बारी कोई सवारी आ गई आ गई, नहीं तो नहीं। उपरों सरकार ने जिहड़े आ इह रूल भी सख्त किए हुए कि 2 सवारियां लैके जाना, 2 सवारियां नाल साडा गुजारा नहीं हो रहा, घट तो घट 4-5 सवारियां होण तां आया, तो पिंडां 'च सानूं जाण दी आग्या दित्ती जावे, तो सैनीटाइजर असी करके जाने, उन्हां नाल साडा खर्चा होर वध रिहा है समां, पर असी तां बहुत मुश्किल दौर 'च होण जा रहे हाँ। अभी तो गवर्नमेंट अगे यही बेनती करांगे कि देखो जल्द तो जल्द सानूं काम धंधा करन दी आग्या दित्ती जावे, हरेक नूं आण दी दित्ती जावे, ते जिहड़ा लोकां नूं इहनां बारे जागरूक करना चाहिए कि करोना तो आह कुछ हुंदा है, तुसीं इहनां दे विच्चों अपनी सेफ्टी करनी आ, सेफ्टी दे नाल बाहर आण तां सारिआं दा काम वधिया चल सकदा आ, ते आपणा रोटी पाणी खा सकदे आ। हुण साडीआं इहनां दीआं किश्तां आ चुकीआं, 4th किश्त चल पई आ, असीं कित्थों देणी आ, घर दे विच्चों गहिणा गट्टा वेच के भी असीं अपना घर दा सिर्फ करियाने दा खर्चा चक सके आ, ते जदकि दवाइयां दा होर सारा साडे माँ बाप भी आ कोई बीमार है, कित्थे नूं जाइए, असीं की करिए, असीं तां बहुत परेशान हो चुके हाँ। ना साडी किसी सरकार दे MLA ने, ना किसी होर ने आके, ना इत्थे कौंसलर ने भी नहीं आके किसी ने पुछिया भी तुसीं किद्दां हैगे किद्दां नहीं, कोई बाह फंड वाला नहीं। टैक्स लैंदे आ किश्तां लैण नूं आके पहलां खड़ जांदे आ कि दसो सानूं पैसे दिओ जी, पैसे दिओ, नहीं तां असीं गड्डियां जब्त कर लैणियां, असीं कित्थे नूं जाइए, इहदे बारे सानूं दस्सिया जावे, साडी मदद कीती जावे गवर्नमेंट दे। असीं तां तुहाडे जरिए इही गवर्नमेंट कैप्टन साहब नूं कहना चाहते हैं कि सानूं जो भी हो सकता उहदे द्वारा साडी मदद कीती जावे। हुण तां असीं गहना गट्टा बेच के भी साडे कोल कुछ नहीं हैगा कि जो असीं कर सकीए, ना असीं गड्डियां बेच सकते, वह भी बैंक के थ्रू आ, किसी पासे नहीं जा सकते, ना कोई नवा धंधा ही कर सकते, फर्क दे विच असीं फसे पए आ पूरे तौर पर। जी सरकार मूहरे बेनती करना चाहते हैं कि साडे आटो वालिआं बारे कुछ सोचो, क्योंकि ज़्यादातर आटो जिहड़े आ प्राइवेट फाइनैंसा के जरिए लए हुए हैं, लोन के उपर लए हुए हैं, सानू बार बार फोन आते हैं किश्तों बारे, साड़िया 4-4 किश्तें रुक चुकी ने, बहुत ज़्यादा परेशान आ। साड़ी घर की जी माड़ी मोटी पूंजी सी वो दे के असी आटो खरीदी है, लेकिन इस टाइम साड़ी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, सानू किसी ने आके प्रशासन ने या किसी सरकारी नुमाइंदे ने आके अजे तक कुछ नहीं पुछया, ना साड़ी कुछ इन्हें कोई मदद की गई है। पूरे शहर के जिन्हें भी आटो वाले ने बहुत ज़्यादा परेशान ने। उस तो बाद उपर जरा गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि 2 सवारियों तो बाद असी बिठा नहीं सकते, तो 2 सवारियों के बच्चों असी 20 रुपये लैके कितने तक सवारी में लै जाइए, तो वो अभी की अपने बच्चों को रोटी खावे तो की असी किश्तें देवे। सो बेनती करते हैं कैप्टन साहब मोहरे कि जिनी छेती हो सकते साढ़ा कोई हाल पूछा जाए, साडा कोई हाल मदद की जाए,
ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨ ਆਰ ਰਾਏ।